गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मो मोनालिसा आपण मन को स्वागत करूची ओडिया जानकारी टीवी चैनल को फ्रेंड्स आज अगस्त 28 तारीख शनिवार चालन तो जानने बा आज सकाळर बच्चा पछा टॉप लेटेस्ट न्यूज अपडेट फ्रेंड्स प्रत्येक दिन परी आज मध्ये आपण माने वीडियो टी शेष जाय बिना स्किप करी देखु थांतु जहा द्वारा की एक किछ समय मध्ये आपण माने देश विदेश ठारु आरंभ करी ओडिसा रे समस्त जिल्ला रो कोण अनुकोण रो समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर एबे ही पाई परबे और ता सहित भिडियोटी जदि भल लगे गोटे गोटे लाइक करने सहित आपण मानकर फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर दिंतु एवं चैनल को प्रथम थर पर आसी एवं ही सब्सक्राइब कर पाखे थोड़ा घंटी को दबाई दिंतु जहाद्वारा कि आम चैनल प्रत्येक भिडियोर अपडेट और नोटिफिकेशन आपठ प्रथम पापर तेब फ्रेंड्स चलातु संपूर्ण खबर उपर एवं ही नजर पकड़ा आज प्रथम अपडेट होची महिला निजुक्तिर सुजोग खाली पड़ता 2847 पदवीपी आवेदन आरंभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स सीएपीएफ रे महिला निजुक्तिर सुजोग एककालीन 2847 पदवी रे महिला को मिल निजुक्ति आग्रही प्रार्थी अगस्ट 31 तारीख राति 11:30 सुधा आवेदन करंतु सीआईएसएफ बीएसएएफ आईटीबीपी एसएसएएफ असम राइफल्स रे महिला खाली पड़ता पदवी में महिला को भर्ती करा ए समस्त पद कनेस्टबल अटे आवेदन स्टाफ सिलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट टी होउछि www.ssc.nic.in परवर्ती अपडेट होउछि इक्मो चिकित्सा लोकार्पण कले मुख्यमंत्री मागणारे एही चिकित्सा पाई परिबे समस्त राज्यवासी आज कटक एससीबीसी मेडिकल कॉलेज रे इक्मो यूनिट उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एससीबीसी कार्डियोथेरापी एवं वास्कुलर सर्जरी विभाग रे एही यूनिट को स्थापन करा जायछि राज्य सरकार एही चिकित्सा को मागणारे लोकमान को प्रदान करिवे ओडिशा रे एही चिकित्सा सुविधा नथिबारु रोगी माने राज्य बाहर को चिकित्सा पई जाउथिले एहा को दृष्टि रखी प्रथम थरा पई राज्य सरकार एससीबीसी मेडिकल रे एभले चिकित्सा व्यवस्था करिछन जहा द्वारा कि ओडिशा वासी समस्त एहार सुविधा उपभोग करि परिबे परवर्ती अपडेट टी होउछि कमिबो कोविक्सिल्ड द्वितीय डोज रो टीका व्यवधान रो अवधि कोविशील्ड टीकार द्वितीय पान मध्य रही समय अवधि को कम करने लगे सरकार विचार करुछन्ते कोविड 19 कार्यकारी गोष्ठी मुख्य एनके अरोरा कहते जे कोविशील्ड टीकार द्वितीय पान मध्य समय कम करा जीवो ए संपर्क में टीकाकरण संपर्कित जातीय वैषयिक परामर्शदाता कमिटी आलोचना करपत्ति परवर्त अपडेट टी होउछि सेप्टेम्बर पहिलारु खोलिब स्कूल खूब शीघ्र आसीब नुआ गाइडलाइन दिल्ली रे वर्तमान कोरोना संक्रमण नियंत्रण रही तेणु स्कूल खोलिबा को चिंता करिछन्ते दिल्ली सरकार सेप्टेम्बर 1 तारीख रु पर्यायक्रमे स्कूल खोलिबा को निष्पत्ति होइछि स्कूल खोलिबा नै जारी होइथिबा गाइडलाइन अनुसार नवम रु द्वादश श्रेणी पिला सेप्टेम्बर पहिला स्कूल जाय क्लास करि परबे सेही परि सेप्टेम्बर 8 तारीख रु षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पिलांकर स्कूल खोलिबा परवर्ती अपडेट टी होउछि सेप्टेम्बर 1 रु बदल जीव पीएफ सह जड़ित गुरुत्वपूर्ण नियम ता पूर्वरु करि नंतु एही काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ निज अकाउंट धारी को पाई नियमरे किछि परिवर्तन करबाकु जाउछि ईपीएफओ रु नुआ नियम अनुसार समस्त अकाउंट धारी को प्रोविडेंट फंड अकाउंट को आधार कार्ड सह लिंक करबाकु बाध्यतामूलक कहा जायछि पीएफ सह जड़ित एही नुआ नियम 1 सेप्टेम्बर 2021 रु लागू हबो तेबे पूर्वरु एही नियम जून 1 रु लागू होबार थिला किंतु एबे एहार समय सीमा वृद्धि कर दिया जायछे अर्थात एबे अकाउंट धारी माने 31 अगस्त सुधा निज पीएफ को आधार कार्ड सह लिंक करबाको पड़िबो परवर्ती अपडेट हेला बंगोपसागर सृष्टि हेला साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज ठारु लघुचाप आरंभ भारतीय पाणीपाग विभाग क्लाइमेट देला एहार सूचना राज्य में वर्षा नियंत्रण मध्य आशार आलोक सृष्टि होई आसंता 24 घंटा मध्य बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही बोली भारतीय पाणीपाग विभाग कही फल राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबार संभावना रही घरोई पाणीपाग संस्था क्लाइमेट दुई दिन पूर्व लघुचाप संपर्क में पूर्वानुमान करथिला जहाद्वारा कि 28 एवं 29 तारीख में ओडिशार यार प्रभाव में मध्यम प्रबल वर्षा होबार संभावना रही परवर्ती अपडेट होउछि ई जान पॉलिसी सह 14 प्रस्ताव को कैबिनेट रो अनुमोदन राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ई जान पॉलिसी सह 14 टी प्रस्ताव को अनुमोदन करिछि कैबिनेट
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 14 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ 2021 ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବେ ଦେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।